देखिए, मैं छोटी सी बात कहूंगी और मैं इस छोटी सी बात में सिर्फ तीन लोगों को नमन करना चाहती हूं, सलाम करना चाहती हूं। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जी को सलाम करती हूं, संजय सिंह जी को, तीन चारों को नमन करती हूं कि जिस दौर में जेल का नाम सुनते ही, ईडी सीबीआई का नाम सुनते ही, एक समन होते ही बाकी पार्टियों के नेता झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, हमारे पार्टी के ये दिग्गज नेता हैं, हमें इन पे गर्व है कि हर मुश्किल के बाद भी ये झुके नहीं, ये टूटे नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में गए नहीं। हम इन नेताओं को सलाम करते हैं। देखिए, दुख तो होता है, हर बार अरविंद केजरीवाल जी की ये फोटो सलाखों के पीछे देखकर मन कचोटता तो है, मनीष सिसोदिया जी के बारे में सोच के आंखों में आंसू तो आते हैं, सत्येंद्र जैन जी के स्वास्थ्य के बारे में सोच के इंसान परेशान तो होता है, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम अपने इन सब नेताओं पे गर्व करेंगे कि ये हमारे ऐसे नेता हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ हर मुश्किल परिस्थिति में भी लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। दूसरा, मैं नमन करना चाहूंगी, मैं सलाम करना चाहूंगी हमारे इन सब नेताओं के परिवारों को जिन्होंने इन मुश्किल परिस्थिति में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का साथ दिया, उनकी हिम्मत बनकर खड़े रहे। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता भाभी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी की पत्नी सीमा भाभी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी की पत्नी पूनम भाभी हो, या संजय सिंह जी की पत्नी अनीता भाभी हो, इनके पति इतने लंबे लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन एक बार भी हमारे नेताओं के इन परिवार वालों ने नहीं कहा कि तुम भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। ये डटी रही, हमारे नेताओं की हिम्मत बनाए रखी। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी को 20 साल से गंभीर बीमारी है, उनसे कोई मिलने आया, उन्होंने कहा भाभी को कि अगर मनीष जी भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो वो मनीष जी को छोड़ देंगे। भाभी ने कहा इतनी बीमारी के बावजूद, बार बार अस्पताल जाने के बावजूद, उन्होंने कहा कि अगर मनीष ने अरविंद जी का साथ छोड़ दिया, अरविंद भैया का साथ छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो मैं भी मनीष को छोड़ दूंगी, ये है उनका संकल्प। और ना सिर्फ उन नेताओं की, मैं नमन करती हूं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के परिवारों को, क्योंकि आज के दिन में देखिए डर तो हर परिवार को लगता है। आम आदमी पार्टी के नेता के किसी के घर में अगर सुबह 7 बजे घंटी बजती है तो परिवार वाले सोचते तो हैं कि ईडी या सीबीआई वाले तो नहीं आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेताओं के परिवारों ने जो हमें, हम सबको हिम्मत दी है, उस हिम्मत को मैं सलाम करती हूं, उस जज्बे को मैं सलाम करती हूं। और सबसे आखिर में मैं सलाम करती हूं आप सबको, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पार्षद को, एक एक विधायक को, एक एक नेता को, जो इतनी विकट परिस्थिति में भी झुके नहीं, दबे नहीं। ये आज तक इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक पार्टी के सारे बड़े नेता जेल में थे, लेकिन फिर भी लाखों लोगों की रैली रामलीला मैदान में इन सब कार्यकर्ताओं ने खड़ी कर दी, लाखों लोगों को लेके आ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी। ये है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का जज्बा। जिस दिन अरविंद जी गिरफ्तार हुए, पूरी दिल्ली को छावनी बनाया हुआ था, जो कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने आते थे 4-4 लोगों को बस में उठा के लेके जाते थे,
लेकिन हमारा एक भी कार्यकर्ता दबा नहीं। चाहे एक सड़क पे सिर्फ 4 महिलाएं बैठी थी, 40 पुलिस अफसरों के बीच में आईटीओ चौराहा रोक रखा था। यह है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। तो इसलिए मैं आप सबको सलाम करती हूं, और आप सबकी यह हिम्मत है जिसकी वजह से इन तानाशाहों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरकार सच्चाई जीतेगी, संघर्ष जीतेगा, बच्चों के लिए शिक्षा जीतेगी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा जीतेगी, और आखिरकार जीत अरविंद केजरीवाल की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी, और इस देश की आम जनता की होगी। यह इन तानाशाहों को पता है। तो एक बार फिर आप सबको मेरा नमन, आप सबको मेरा सलाम। यह संघर्ष अभी शुरू हुआ है, हमें पूरी हिम्मत से इस संघर्ष में आगे बढ़ना है।